अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। ये मेरे पास यामा 4 आई है, इसका करंट नहीं आ रहा। मैं आपको दिखाता हूँ ये क्यों नहीं आ रहा, इसको कैसे सही करते हैं। किक मार दी, ये देखा दोस्तों। अब चेक करते हैं, शुरुआत में कर रहा हूँ, आप देखें अभी कैसे इसको सेट करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये सबसे पहले ये देख रहे हैं जो रेक्टिफायर की वायरें हैं, ये दो अलहदा ये निकली हुई है, ठीक है। अब ये रेड, ये येलो और ग्रीन जो है ना अर्थ लगी हुई है। तो सीडिया यूनिट की वायरें जो हैं, ये मैं आपको दिखा दूं, ये कहाँ लगी हुई हैं, डायरेक्ट लगी हुई हैं, क्या है ये सारी पेपर। सबसे पहले आपने ये देख लेना कि भाई ये वाइट कलर की और रेड कलर की जो वायर है, ये पल्सर कोयल की है, यानी कि ये नीचे से आ रही है। ये देखा है दोस्तों, ये नीचे से आ रही हैं, ये देखें, ये दो रेड और वाइट ये नीचे से आ रही है। मैं देख रहा हूँ कि कोई गलत तार तो नहीं लगी हुई है, इन्होंने छेड़ा तो नहीं है, है। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये रेड कलर की जो आ रही है, ये इग्निशन कॉइल में जा रही है। ये पहले आप ये देख लें जो भी वायरें सही लगी हुई हैं, या आपको मालूम हो जाएगा हाँ भाई ये वायरें कहाँ जा रही हैं या कहाँ से आ रही हैं। तो ये रेड मैंने दिखा दिया, ये देखो यहाँ ऑरेंज हो जाती है ये इग्निशन कॉइल में। अब ये वाइट जो है ना, ये देखो ये ब्राउन के साथ लगी हुई है, इसको यानी कि बैटरी वाला करंट या करंट डीसी करंट देना पड़ता है, यानी कि तो फिर स्टार्ट होती है। तो पल्सर कोयल में जो है ना, ये दोनों वायरें जो इसमें आती हैं, अर्थ भी इसका इसके अंदर होता है। तो ये मैं आपको दिखा दूं, अब क्यों नहीं आ रहा करंट, पहले तो चेक कर लेते हैं जो ये ब्राउन कलर की वायर है, ये नीचे से करंट आ रहा है, यानी कि येलो वाला, ये चेक करते हैं। क्योंकि इसका सही काम तो ये होता है जो भी रेक्टिफायर के करंट से यानी कि सीधा यूनिट चालू हो, यानी कि यही वायर इस रेड वायर के साथ लगी हुई ना, ये सही बेहतर यही होता है। इससे जो है ना सीधा यूनिट जलने का खर्चा खतरा होता है। तो ये मैंने, ये नीचे से जो वायर आ रही है, ये देखो चार्जिंग वाली, ये इसका करंट चेक करते हैं जो आ रहा है नहीं आ रहा। तो यही ये इस वायर के साथ लगी हुई थी, ठीक है। ये वायर है यानी कि चाबी स्विच वाली, जब चाबी स्विच ऑन करो ना तो इसमें करंट आता है 12 वोल्ट, यानी कि इसमें करंट आता है। तो अच्छा, ये वाइट वायर जो है ना मैंने खोल ली है, यानी कि ये डायरेक्ट लगी हुई थी ना इसके साथ, ये ब्राउन के साथ। अब ये ड्रैग लगे करंट जो नहीं आ रहा था, इसमें करंट चेक करते हैं, यदि ये करंट आना चाहिए ना इनमें, मारो से किक मारो, ये देखें इसमें करंट नहीं आ रहा, ज़रा भी नहीं आ रहा। अब ये देखते हैं जब भी लाइट वाली वायर में भी आ रहा है नहीं आ रहा, ये जो येलो है, हैं ये नीचे से जो दो वायरें आ रही हैं इनका, इसमें भी करंट आ रहा है नहीं आ रहा, ये देखते हैं। ये वाइट में मैंने देख लिया, अब येलो में देखते हैं, मारो भी के, ये इसमें भी नहीं आ रहा, ये देखें ये दोनों वायरों में नहीं आ रहा। अब इसका देखते हैं जब ये अर्थ वाली यानी कि अंदर से कड़ा क्रॉस हो ना, तो अर्थ वाली में भी ब्लैक जो वायर है इसमें भी आता है करंट, है इसमें भी आता है। ये किक मार रहा है, अब ये देखते हैं यहाँ इसमें भी नहीं आ रहा, यानी कि अब आपस में देखते हैं कि आपस में भी आता है नहीं आता, मारो भी किक, ये आपस में भी नहीं आ रहा, यानी कि आपस में तो आना चाहिए। ये देखा है दोस्तों, ये अंदर जो है ना कॉइल कड़े का मसला है, ये इसका एक तो गेलिवर वेल्ड तो नहीं है, वेल्ड वेल्ड नहीं है, ये तापा खोल के देखना पड़ेगा, जो कड़ा खराब हो गया या कोई अंदर से वायर टूट गया, ये खोल के देखेंगे।
कोयल कड़े को खोल के देखेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल बैटरी का कनेक्शन कर देता हूँ ब्राउन के साथ। अब करंट चेक करते हैं, इसका आ रहा है नहीं आ रहा। ये देखा करंट आ गया है। स्टार्ट करते हैं इसको, आपने ऐसे सही करना है। तो ऐसे बैटरी के साथ ब्राउन वाली आप लगा दें, स्टार्ट हो जाए।